9 न्यूज और आपके साथ मैं हूँ फिजा काजमी। एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इंदौर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के नव नियुक्त पदाधिकारी शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आए। इंदौर में आयोजित बैठक में बीजेपी नेताओं ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव, पार्टी का नेटवर्क बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर चिंतन मनन किया। बैठक के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान और नेताओं को बताया कि नव नियुक्त पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुरलीधर राव ने कहा कि देश और प्रदेश का किसान बीजेपी की सरकार के साथ है, लेकिन जो किसान इस कानून का विरोध कर रहा है उसने चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। वहीं उन्होंने बताया कि कृषि कानून बनने के बाद केंद्र सरकार इस कानून में परिवर्तन करने को तैयार है। ये एक तरह का ऐतिहासिक घटना है और अभी तक सरकार कई बातों को स्वीकार कर चुकी है। एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि लगातार हारने वाली पार्टियां सीधा आंदोलन नहीं कर सकती, इसलिए वो दूसरों के कंधों का उपयोग कर रही हैं। 26 जनवरी की घटना में पंजाब प्रांत के जो ट्रैक्टर रिकॉर्ड गैंगस्टर हैं, फ्रॉड हैं और कई केसेस में जेलों में बंद हैं, ऐसे लोग लाल किले की घटना में सम्मिलित हुए थे। राव ने कहा कि 26 जनवरी की घटना पर गहराई से जाने तो उसमें राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है। मुरलीधर राव ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद कृषि ग्रोथ रेट बढ़ी है। राव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस शून्यता की ओर जा रही है और म्यूजियम पार्टी बनाने में कांग्रेस नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल मीडिया में प्रतिस्पर्धा में लगे हैं और कट्टरपंथियों की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। पत्थरबाज लोगों, देश विरोधी नारे लगाने वालों का मुखिया दिग्विजय सिंह है। निकाय चुनाव को लेकर राव ने कहा कि निकाय चुनाव में हम पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ेंगे और निकाय चुनाव में माइक्रो प्लानिंग की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक आज सत्ता के शासन व्यवस्था में है, लेकिन इसके लिए कौन कौन से पैमाने हैं जिन पर हमको और काम करने की जरूरत है, उस पर हमारे सभी पदाधिकारियों ने चर्चा की है। वीडी शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वहीं 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी हमने बैठक में तैयार कर लिया है। लेकिन वीडी शर्मा की इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आए। देखना होगा कि बीजेपी की ओर से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।